मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के शेरू कॉलेज नैनीताल में पढ़े थे। हमारे भी शेरू कॉलेज नैनीताल में मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से पहला विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह को मिला था जो गढ़वाल रेजिमेंट शैतान सिंह और मेजर शैतान सिंह पुष्प अर्पित करते हुए माननीय आचार्य जी आचार्य जी तथा प्रतिनिधि जी उनके पास हमारे सभी अतिथि और दीवार को पुष्पार्पण करकर गर्ल्स एनसीसी लेयर विंग के कैडेट रूवर्स रेंजर्स एवं भारतवर्ष का सुनहरा भविष्य हमारे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी भारतीय वीर गाथाओं के शिरोमणि एवं महान विभूतियों से सुसज्जित सौर्य दीवार के समक्ष हेतु अपने सहर्ष उपस्थिति से का वाचन आरंभ कर रहा हूँ। संदेश स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2022। स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत पर्व पर देवभूमि उत्तराखंड के समस्त सांसद करता हूँ। इस पुनीत अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों वीरांगनाओं तथा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही राष्ट्र निर्माण में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने वाले महापुरुषों को हम सत सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की बलि देने पर वीर शहीदों की आहुतियां और सौर्य वीरता त्याग सत्य अहिंसा तपस्या जाति धर्म तथा क्षेत्र जैसी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर उच्च आदर्शों तथा नैतिक मूल्यों को अपनाना होगा। स्वतंत्रता हमें अपने दैनिक कर्तव्यों व उत्तरदायित्व उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं की राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका होती है। अतः इस वर्ग की ऊर्जा एवं शक्ति का उपयोग सृजनात्मक कार्यों तथा दायित्व बोध की संस्कृति विकसित करने में की जानी चाहिए। देश तथा प्रदेश की उन्नति सतत होना चाहिए ताकि सुशिक्षित ज्ञानवान बुद्धिमान सुयोग्य सुस्वस्थ और राष्ट्र प्रेम में समर्पित युवा पीढ़ी का निर्माण किया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हम निरंतर प्रगति कर वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। पर्यावरण शिक्षा सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य है, सार्थक होगी। साथ ही वर्तमान में विश्व में चल रही इस वैश्विक महामारी से पूर्णतया निजात पाने हेतु समस्त प्राध्यापक कर्मचारी छात्र छात्राएं एवं अभिभावकों को शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना होगा। सावधानी व धैर्य से काम लेते हुए सकारात्मक सोच के साथ स्वयं को मनोवैज्ञानिक गौरवमयी व विश्व अग्रणी राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें और वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र ध्वज का वंदन करें। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, इसी दिन के लिए जो हुए हैं हंसकर कुर्बान, इसी दिन के लिए हुए हैं जो हंसकर कुर्बान। निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड धन्यवाद। हम सभी ने उच्च शिक्षा निदेशक महोदय के संदेश को सुना और उसका पालन करने हेतु भारतीय तिरंगे के सामने अपनी कटिबद्धता प्रदर्शित की, जैसा कि सर्वविदित है। धन्यवाद आयोजक डॉक्टर नवल लोहनी। भारत माता की जय। बलिदान दिया है उनको नमन करते हुए आज उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए जो वीर सैनिक अभी भी इसी वक्त बॉर्डर पर सीना तान के हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। सभी उपस्थित महानुभाव का हमारे बीच में उपस्थित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री प्रदीप बिष्ट जी, उनके साथ आए हुए सभी गणमान्य सज्जन, बाहर से आए हुए अतिथि महोदय, महाविद्यालय के सम्मानित प्राध्यापक, एनसीसी कैडेट्स,
एनएसएस के स्वयंसेवी रोवर्स रेंजर्स के कैडेट्स और जितने भी महानुभाव इस सरस्वती माँ के प्रांगण में उपस्थित हैं, मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की इस पुण्य बेला में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। महोदय, देशभक्ति का कोई पैरामीटर नहीं होता है, कोई मापदंड नहीं होता है, कोई स्केल ऐसा नहीं है कि जो आपकी देशभक्ति को नाप सके। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, यदि आपको अच्छा सच्चा और देशभक्त बनना है तो महोदय आप अपने निहित कर्तव्यों का पालन करें। ईश्वर ने आपको जहाँ पर जैसे भी रखा है, जिस पद पर रखा है, जिस कार्य के लिए आपको यहाँ पर भेजा है, उस कार्य को यदि आप ईमानदारी सच्ची लगन से करते हैं तो उससे बड़ी देशभक्ति कुछ नहीं होती है। क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है, हम सौभाग्यशाली हैं, 1947 के बाद की हम फसल हैं, हमको तो स्वतंत्र भारत मिला है। लेकिन उन शहीदों को हम याद करते रहेंगे जिन शहीदों ने हमें आज का ये दिन दिया है, और साथ ही उन वीर सैनिकों को, उन वर्दीधारियों को हम नमन करेंगे, नहीं भूलेंगे, जो आज भी इसी दिन अभी भी अपनी ड्यूटी पर तैनात है।